दोस्तों ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गूगल एनालिटिक, जो कि वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, गूगल एनालिटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें यूज़र की एक्टिविटी और अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस और ट्रैफिक के बारे में पता चले। अगर आप गूगल एनालिटिक के बारे में फैमिलियर नहीं हैं तो आप गूगल एनालिटिक गूगल में डाल के इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बेसिकली जब गूगल एनालिटिक हम लोग अपनी वेबसाइट में सेटअप करते हैं, तो हमें ये कोड अपनी वेबसाइट, जो JS का कोड है, ये अपनी वेबसाइट में रखना होता है। यहाँ पर हमारी जो हम ID अपना गूगल जब अकाउंट सेटअप करेंगे, तब हमें ये ID प्रोवाइड की जाएगी गूगल के द्वारा, जो हम अपने ड्रूपल में यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम अगर ये कोड अपनी वेबसाइट में यूज़ करें तो भी काम चलेगा, लेकिन हम ड्रूपल में कर रहे हैं तो ड्रूपल के वे में अगर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा अपने ड्रूपल वेब डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें गूगल एनालिटिक ड्रूपल लिख के, जो हमारे पास ये आया drupal.org/project/google-analytic, इस मॉड्यूल को हम अपने लोकल मशीन पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम अपनी डायरेक्टरी में अपने प्रोजेक्ट के अंदर, साइट के अंदर, ऑल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इस मॉड्यूल को हम इंस्टॉल करेंगे या इनेबल करेंगे अपने लोकल पे। ठीक है, मॉड्यूल पे चलते हैं। गूगल, देखिए गूगल एनालिटिक आ गया, इसको इनेबल करते हैं। सेव कॉन्फ़िगरेशन, दोस्तों ये ड्रूपल मेरे लोकल पे थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए गूगल एनालिटिक का जो मॉड्यूल था वो इनेबल हो गया। इसके कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। ये देखिए वो जो ID हमें जो गूगल प्रोवाइड करेगा, जो कि कोड में होगी। जब आप अपना अकाउंट गूगल का सेटअप करेंगे तो आपको ID मिलेगी, तो वो आप ID यहाँ रखेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में होगी। अब यहाँ पर डोमेन, अगर आपको कोई सिंगल डोमेन ट्रैक कर रहा है तो आप सिंगल डोमेन ट्रैक करेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल सब डोमेन है तो आप इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर, रेडियो बटन पे क्लिक करिएगा। मल्टी डोमेन के लिए अगर आपके पास लिस्ट है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी लिस्ट डाल दीजिएगा, वो सबको ट्रैक करेगा एक ही ID से। यहाँ ऑल पेज, पेज की सेटिंग पे, ये वो दोस्तों ये वो पेज है जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि एडमिन। तो अगर हम एडमिन को ट्रैक करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें यूज़र की एक्टिविटी ट्रैक करनी है। तो यूज़र के लिए अगर आपको कोई पेज नहीं ट्रैक करवाना है अपनी वेबसाइट पर, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ लिख दीजिएगा, जो आपका पेज का नाम हो जिसको आपको ट्रैक नहीं कराना है। रोल, अगर आपको किसी रोल को ट्रैक करना है, मतलब कि अगर आपको केवल ऑथेंटिकेट यूज़र को ही ट्रैक करना है तो आप उनको ही केवल ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी फंक्शनलिटी ये मॉड्यूल प्रोवाइड कराता है गूगल एनालिटिक। ठीक है, यूज़र ट्रैक, यूज़र आईडी, अगर आपको यूज़र आईडी ट्रैक करनी है तो अभी आप ट्रैक कर सकते हैं,
लिंक्स एंड डाउनलोड्स। अगर आपकी कोई क्लिक करता है आउटबाउंड लिंक में, आउटबाउंड लिंक्स दोस्तों वो लिंक होती हैं जो हम क्लिक करके जैसे दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जैसे हम फेसबुक पे क्लिक करते हैं अगर तो हम फेसबुक पे जाते हैं, या गूगल पे करते हैं अपनी वेबसाइट पे सोशल आइकन पे तो गूगल पे जाते हैं, तो वो सारे आउटबाउंड लिंक हो गए। अगर मेल पे कोई क्लिक करता है तो दोस्तों वो सब गूगल एनालिटिक ट्रैक करेगा। इसकी रिपोर्ट आप गूगल एनालिटिक के अकाउंट में आप देखेंगे। अगर आपको मैसेज ट्रैक करना है अपनी वेबसाइट में कि जो स्टेटस मैसेज आते हैं वो अगर आपको ट्रैक करने हैं तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको सब चेकबॉक्स चेक करने पड़ेंगे जो जो आपको ट्रैक करने हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट वही रखते हैं जो डिफ़ॉल्ट है। आपके अकाउंट में अगर वेबसाइट में एडसेंस का भी है तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कस्टम डिमेंशंस है वो भी आप कर सकते हैं। एडवांस में आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ आपको अगर लोकली कैश ट्रैकिंग कोड फाइल करना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ये इसको ट्रैक करेगा। हम सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले हमें आईडी डालनी पड़ेगी। देखते हैं ये लेता है कि नहीं। दोस्तों अपनी आईडी डालने के अपने होम पेज पे जाएंगे, होम पेज के सोर्स कोड पे देखेंगे, आप फाइंड करेंगे। ये देखिए गूगल एनालिटिक का जो पूरा कोड था वो आ चुका है, जो आपने आईडी डाली थी वो आ गई। तो दोस्तों अब आपकी जो ड्रूपल की वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक के अकाउंट में ट्रैक हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो था कि हम गूगल एनालिटिक अपने ड्रूपल डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।